कोई नंबर दिया है उसमें कितने कोई स्पेशल डिजिट काउंट करना चाह रहे हैं हम, तो वो कैसे करें, एक प्रोग्राम लिखना है। जैसे एक नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, इसमें 5 पर वो कितनी बार आ रहा है, तो इसमें सारे जो डिजिट्स हैं वो एक एक बार ही आ रहे हैं, इसलिए 5 एक बार ही आ रहा है। दूसरा नंबर लिया 4 1 3 5 4 1, इसमें 4 कितनी बार आ रहा है, तो यहाँ 4 टू टाइम्स आ रहा है, 4 है वो दो बार आ रहा है। दूसरे बार इसी नंबर में यदि 1 को देखें तो वो भी दो बार आ रहा है। तो इस तरह से एक प्रोग्राम लिखें जो ये काउंटिंग कर सके। इसका तरीका है, पहले नंबर को रीड करें, डिजिट को रीड करें, उसके बाद में काउंट नाम का एक वेरिएबल लें जिसको 0 असाइन कर दें, एक व्हाइल रिपीटेशन स्टेटमेंट लगाते हैं, वो तब तक चलता है जब तक कि नंबर की वैल्यू 0 ना हो जाए, और जो भी नंबर है उसका 10 के साथ 10 के साथ रिमाइंडर लेंगे, जो उसकी लेफ्ट राइट मोस्ट डिजिट होगी वो बताएगा, और जो दाईं तरफ जो डिजिट है इकाई का अंक जो है उसको बताएगा, और काउंट की वैल्यू को यदि वो नंबर अपनी डिजिट के बराबर है, डिजिट के इक्वल है, तो काउंट की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट कर देगा। इस तरह से लूप एंड होने पर हमें उस डिजिट के रिपीटेशन का पता चल जाएगा, और इस तरह से हम प्रिंट काउंट को प्रिंट करके ये पता कर सकते हैं। फ्लो चार्ट बनाएं, तो फ्लो चार्ट में नंबर और डिजिट को रीड किया, काउंट इक्वल टू 0 किया, नंबर जब तक 0 नहीं है तब तक रिमाइंडर कैलकुलेट किया, रिमाइंडर को डिजिट से कंपेयर किया, यदि यस है तो काउंट की वैल्यू एक इंक्रीज की, और नंबर में 10 का भाग दिया, और प्रोसेस रिपीट करते गए, लास्ट में प्रिंट को काउंट कर दिया। प्रोग्राम लिखें, तो रीड स्टेटमेंट के लिए दो स्कैनफ स्टेटमेंट लिख दिए, जिसमें एक बार नंबर को रीड कर रहे हैं, दूसरी बार डिजिट को प्रिंट रीड कर रहे हैं, काउंट की वैल्यू 0 ऑलमोस्ट वैसा ही रहेगा। कंडीशन ये लूपिंग वाली कंडीशन है, इसलिए इसको वाइल में लिख दिया, वाइल नंबर इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन यस कहती है, तो रिमाइंडर निकालने के लिए इसी प्रोग्राम में परसेंटेज काम में लेते हैं, तो नंबर परसेंटेज 10, और उसको कंपेयर कर दिया डिजिट के साथ, यदि कंडीशन यस है तो काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 सेमीकोलन, या काउंट प्लस प्लस लिख सकते हैं इसी प्रोग्रामिंग में, नंबर इक्वल टू नंबर बाई 10 को नंबर स्लैश इक्वल टू 10 लिख सकते हैं, और जो काउंट प्रिंट करना है उसको प्रिंट स्टेटमेंट में लिख सकते हैं, और पूरा प्रोग्राम एक साथ लिखें तो ये पूरा प्रोग्राम बनता है। नंबर जिसमें एडर फाइल इंक्लूड किया मेन फंक्शन के अंदर, नंबर डिजिट काउंट को डिक्लेयर किया, काउंट की वैल्यू 0 कर दी, नंबर को रीड किया, डिजिट को रीड किया, व्हाइल स्टेटमेंट में नंबर पे कंडीशन लगा दी, नंबर की वैल्यू जब तक 0 नहीं होती है तब तक ये रिपीट होता रहे, नंबर में का 10 के साथ रिमाइंडर लिया, यदि वो डिजिट के बराबर है तो काउंट की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट कर लिया, नंबर में 10 का भाग दे दिया, और बाद में काउंट को प्रिंट कर दिया। चेकर बोर्ड पैटर्न ऑफ एस्ट्रिक्स, जो स्टार करेक्टर जो है उसे चेक बॉक्स बनाना है, ये पैटर्न हमें समझना है और ये बनाना है, जिसमें 8 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, 8 स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं, और 8 सी कॉलम्स हैं और 8 सी रोज हैं, 8 ही रो हैं, 8 ही पंक्तियां हैं और 8 ही कॉलम हैं, 8 ही स्तंभ हैं। तो इसके लिए हम क्या करें, तो इसको पहले समझते हैं, उसमें सब लाइन्स हैं उनको प्रिंट एफ स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। सबसे पहला तरीका, सब लाइन्स को प्रिंट एफ स्टेटमेंट में लिख दिया और एंड में सबके बैक स्लैश साइन लगा दिया, सब नई लाइन्स में प्रिंट होंगी। लेकिन हम ऐसा तो बहुत पहले कर चुके हैं, इसलिए अब हम नई कंडीशन ऐड कर देते हैं कि इस तरह के स्टेटमेंट्स काम में लेने हैं, ये 3 प्रिंट एफ स्टेटमेंट काम में लेने हैं, जिनमें पहला परसेंटेज एक परसेंटेज एस कन्वर्जन स्पेसिफायर, मतलब एक स्ट्रिंग प्रिंट करेगा और स्ट्रिंग के रूप में स्टार और स्पेस प्रिंट होगा, दूसरे में सिर्फ स्पेस प्रिंट होगा, और तीसरा प्रिंट टाइप स्टेटमेंट है जो न्यू लाइन प्रिंट करेगा, पुट्स लिख दिया जो ऑटोमेटिकली न्यू लाइन प्रिंट कर देगा। ये एक एक बार ही तीनों काम में लेना है, और ये लेफ्ट साइड में जो लिखा है पैटर्न दिया हुआ है वैसा प्रिंट हो जाए,
इसके लिए हमें रिपीटेशन स्टेटमेंट्स को काम में लेना पड़ेगा और वाहिल रिपीटेशन स्टेटमेंट को काम में लेंगे, क्योंकि 8x8 का है तो टोटल 64 टाइम्स काम ये लेंगे, जिसमें पहला प्रिंट एफ स्टेटमेंट है जिसमें स्टार और स्पेस प्रिंट कर देंगे, स्टार हर स्टार के बाद में स्पेस आ जाएगा और आई की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे। यदि आई में 8 का भाग जाता है तो न्यू लाइन में चले जाएंगे और न्यू लाइन में जाएंगे उसमें भी यदि लाइन नंबर जैसे इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, फोर्थ कहें, तो जो इवन नंबर ऑफ लाइंस हैं उनमें पहले स्पेस से स्टार्टिंग होनी चाहिए तो स्पेस प्रिंट करना होगा। 8वें पे न्यू लाइन में जा रहे हैं तो 16 में यदि आई में 16 का भाग जाता है तो स्पेस प्रिंट नहीं करेंगे, नहीं जाता है तो कर देंगे और इससे हमें यह आउटपुट मिल जाएगा। यहाँ पर स्टार और उसके बाद में स्पेस जहाँ कहीं भी प्रिंट हो रहा है वो इस प्रिंट टाइप स्टेटमेंट से हो रहा है और जो भी आगे न्यू लाइन में जा रहा है हर लाइन के बाद में कर्सर नई लाइन में जा रहा है वो पुट्स से जा रहा है और हर लाइन के शुरुआत में कुछ लाइंस के शुरुआत में स्पेस आ रहा है स्टार की जगह वो इस प्रिंट टाइप स्टेटमेंट से आ रहा है। एक इनफिनाइट लूप बनाना है जो दो के मल्टीप्लायर्स को प्रिंट करे, जैसे 2 प्रिंट कर दिया उसके बाद में 4 प्रिंट कर दिया, 8 प्रिंट कर दिया, 16 कर दिया, 32 कर दिया एंड सो ऑन किए जाए। फ्लो चार्ट बनाते हैं, इस फ्लो चार्ट में नो नहीं होगा, कंडीशन यस होगी, ट्रू होगी हमेशा। आई की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई किया, प्रिंट कर दिया और ये इनफाइनाइट लूप बन गया, क्योंकि इसमें कंडीशन कभी नो नहीं होगी तो ये लूपिंग होती रहेगी। प्रोग्राम लिखें तो ये प्रोग्राम हो जाएगा जिसमें एडर फाइल इंक्लूड की, मेन के अंदर आई को डिक्लेयर करके वैल्यू 1 कर दी, वाइल में कंडीशन की जगह 1 लिख दिया, 1 मतलब ऑलवेज यस, 0 के अलावा कुछ भी कोई भी एक्सप्रेशन लिखेंगे जिसकी वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी और होती है तो वो हमेशा ट्रू होगा, और आई को 2 से मल्टीप्लाई किया और आई को प्रिंट कर दिया। हम एक बार इसको रन करके देखते हैं। तो पहले एक प्रोग्राम लिखते हैं जो एक इन्फिनिटी लूप बनाता है। ये प्रोग्राम हमने लिख दिया जिसमें एड्रेस फाइल इंक्लूड किया, मेन के अंदर आई इक्वल टू 1 कर दिया, वाइल में 1 लिख दिया और आई को 2 से मल्टीप्लाई किया, प्रिंट एफ स्टेटमेंट दे दिया। अब इसको कंपाइल और रन करके देखते हैं। infinity.c ये कंपाइल किया, रन किया, ये क्या, ये तो स्टॉप करना पड़ेगा, इसको तो फोर्सफुली स्टॉप करना पड़ेगा, तो 0 0 0 प्रिंट कर रहा है। चलो इसको समझते हैं, ये 0 0 0 प्रिंट कर रहा है, क्यों कर रहा है इसको थोड़ा समझते हैं। पहले इसको 0 पे स्टॉप करके देखते हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा। तो इनफाइनाइट लूप होने पर हमें कुछ डिजिट्स प्रिंट हुई हैं उसके बाद में 0 0 0 प्रिंट होता दिख रहा है, और अब इन जीरोज को समझने के लिए हम इस ट्रू कंडीशन के साथ एक फॉल्स कंडीशन चेंज कर देते हैं और कंडीशन कर देते हैं कि आई नॉट इक्वल टू 0। आई को प्रिंट कर रहे हैं तो आई की वैल्यू जब तक 0 है तब तक प्रिंट, 0 नहीं है तब तक ही प्रिंट करे, 0 होते ही ये प्रोग्राम का एंड हो जाए। वाइल में जो 1 लिखा था उसकी जगह आई नॉट इक्वल टू 0 लिख देते हैं। इसको प्रोग्राम को भी ऐसे ही रन करके देखते हैं। तो इसमें लिखते हैं, तो ये लिख दिया, इसको कमेंट कर देते हैं, वाइल स्टेटमेंट है उसको चेंज कर दिया, पहले 1 लिखा हुआ था उसकी जगह आई नॉट इक्वल टू 0 लिख दिया। इसको सेव करते हैं, स्क्रीन को क्लियर करते हैं, कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। ये क्या, ये तो कुछ एक वैल्यू प्रिंट हुई है। चलो समझते हैं, यहाँ पर 2 4 8 ही मल्टीप्लाई होता जा रहा है, 2 से मल्टीप्लाई होता जा रहा है, मल्टीप्लाई ये नंबर है उसके बाद में 2 6 8 ये नंबर है उसके बाद में ये नंबर है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आ गया, ये लास्ट नंबर आया
1073741824। और नेक्स्ट नंबर जो आया है वो इसका डबल तो है लेकिन नेगेटिव साइन आ गया साथ में, नेगेटिव साइन आ गया है साथ में, वैल्यू तो डबल हुई है लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, और उसके बाद जीरो प्रिंट हो गया है। आगे ये दो जीरो को तो दो से मल्टीप्लाई करने पर वो जीरो ही रहेगा। और ये नेगेटिव नंबर जो है ये यदि ध्यान से देखें, पुराने नंबर्स को याद करें, तो हमने एक वीडियो ब्लॉग में डिस्कस किया था कि जो इंटीजर्स हैं उनमें मिनिमम वैल्यू क्या प्रिंट होगी, वो मिनिमम वैल्यू ये है। उसमें मैक्सिमम वैल्यू भी देखी थी जो इससे एक कम थी, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू ये थी, तो वो प्रिंट हो गई। तो यहाँ तक ये वैल्यू सही प्रिंट होती है, आगे ये सही प्रिंट नहीं हो रही।